हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज एक गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए एक और, ठीक है? आज 4 अगस्त है, तो एक गुड न्यूज़ मिली है IBPS के थ्रू। IBPS PO 2021-2022 का जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, कितनी वैकेंसीज़ हैं टोटल और लास्ट डेट कब है इसकी फॉर्म फिल करने की, और कैटेगरी वाइज़ जो वैकेंसीज़ आई हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और आपको ये फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? और सब कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इस साल टोटल वैकेंसीज़ हैं 1167, ठीक है? वैकेंसीज़ काफ़ी लो हैं, बट कुछ बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं की हैं, तो ये आपको पता ही है कि फाइनल वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो कुछ बैंक बचे होते हैं वो बाद में ऐड करते हैं वैकेंसीज़ को, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर आप बात देखो तो इसने 0 वैकेंसीज़ डिक्लेयर करी हैं। एक तो होता है नॉट रिपोर्टेड, ठीक है? तो इन्होंने ये भी नहीं लिखा है, इन्होंने डायरेक्ट 0 वैकेंसीज़ डिक्लेयर की हैं। उसके बाद आता है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छी वैकेंसीज़ दी हैं, टोटल 734 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 297 UR की हैं, EWS की 74, 198 OBC, ST की 55 एंड 1104 SC, ठीक है? और कुछ बाकी जो PWBD कैटेगरीज में आते हैं उनका है, ठीक है? उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी है, कनाडा बैंक की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। देखो, आप ये देखो, कनाडा बैंक का मर्जर हुआ था, इन्होंने कुछ रिपोर्ट नहीं किया है। उसके बाद आप देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 0 वैकेंसीज़ हैं। इंडियन बैंक का भी मर्जर हुआ था, उसने कुछ वैकेंसीज़ डिक्लेयर नहीं की हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की 0 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं की है, उसका भी मर्जर हुआ था। बट PNB का तो ये आपको पता ही है कि जो पिछले सालों को अगर आप रिकॉर्ड उठा के दे हो तो PNB बाद में डिक्लेयर करता है वैकेंसीज़। उसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है? तो SC की उसमें 14 है, ST की 6 है, OBC की 21, EWS की 8 एंड UR की 34। टोटल वैकेंसीज हैं 83, ठीक है? उसके बाद है यूको बैंक। यूको बैंक की टोटल 350 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 256, EWS की 35 एंड आपकी जो OBC की है वो है 14 वैकेंसीज, और आपकी जो SC ST की है 35 एंड 10 वैकेंसीज। उसके बाद है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने भी रिपोर्ट नहीं करी है, तो ये भी बाद में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाइज, वैकेंसीज तो काफ़ी लो हैं, बट ये इंक्रीज़ हो जाती हैं। बट एक तरीके से आप ये देखिए, इतनी पेंडेमिक सिचुएशन में ही नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ कर दिया है एट लास्ट, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है? और एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूँगा, ठीक है? तो अब देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, तो 5/8/2020 से लेके, मतलब कल से, कल 5 है और 26/8/2020 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस फीस इंटीमेशन चार्जेस कितना है, ये जो आप पेमेंट करोगे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस की, वो भी 26/8/2020 तक कर सकते हो, कल 5/8/2020 से लेके 26/8/2020 तक, शाम को 5 बजे तक, ठीक है? उसके बाद है कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का है, सितंबर 2020 में, कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 21/9/2020 को से 26/9/2020 तक, ठीक है? ये अभी टेंटेटिव है, ठीक है? टेंटेटिव बोला है इन्होंने। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर में बोला है इन्होंने, ठीक है? अक्टूबर में जो डेट्स दी गई हैं, 3/10/10/10 एंड 11, 3/10/11 तीन डेट्स को बोला गया है। रिजल्ट कब आएगा इसका, प्रीलिम्स का? अक्टूबर नवंबर में। और मेंस के लिए इन्होंने टेंटेटिव डेट्स रखी है 28/11/2020। उसके बाद है मेंस का रिजल्ट कब आएगा, दिसंबर 2020 में। इंटरव्यू होगा आपका जनवरी फरवरी 2021 में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा आपका अप्रैल 2021 में, ठीक है? उसके बाद आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ग्रेजुएशन मांगते हैं इसमें, ठीक है? मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी हो जाती है, ठीक है?
मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग मेरी जो अभी स्टार्ट किया जिन्होंने बैंकिंग का प्रिपरेशन, वो भी मेरी इस वीडियो को देखते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये तो एज क्राइटेरिया हो गया कि SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और बाकी जो होता है PWBD कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 10 साल का, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी एग्ज़ामिनेशन जो फीस है वो कितनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ, एक मिनट रुकिए, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जस्ट वेट। बारह पेज पे थी यार ये एप्लीकेशन फीस इसकी, एक मिनट। ये रहा एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस देखिए आप, 175 रुपीज़ है SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए, एंड ₹850 है जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, मतलब OBC, EWS एंड जनरल कैटेगरी सबके लिए 850 है, ठीक है। ये आपकी फ़ीस हो गई 26/8/2020, लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की। और आपको पता ही है फॉर्म कैसे फिल करते हैं जो ऑलरेडी दे चुके हैं काफ़ी एग्ज़ाम्स, तो आपको फोटोग्राफ लगानी होती है, सिग्नेचर हो गया आपका, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन हो गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होती हैं, ठीक है। अब एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न पे भी मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस कर लेता हूँ इसका, IBPS का, ठीक है, IBPS का एग्जामिनेशन पैटर्न का। तो सबसे पहले देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, जिसमें टोटल आपका 20-20 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है, टोटल 60 मिनट्स का पेपर होता है, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स मिलता है आपको, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। और मिनिमम कट ऑफ डिसाइड होती है, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। तो इन्होंने लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क टू बी डिसाइडेड बाय द IBPS। मतलब इन तीनों में, जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों में आपका मिनिमम एक कट ऑफ रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, वो सब क्लियर करना है आपको, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ होती है इसमें, SBI में नहीं होती है सेक्शनल कट ऑफ, बट IBPS में होती है। उसके बाद आते हैं मेंस पे। मेंस में क्या होता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, GA के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 35 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के सॉरी, एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आपके 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, ठीक है। टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। और इसमें एक अगर आप लेटर राइटिंग एंड ऐसे देखो, डिस्क्रिप्टिव होता है जो, उसके 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। 30 मिनट्स का टाइम मिलता है सिर्फ रीजनिंग में, आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, GA में आपको 35 मिनट्स, इंग्लिश में 40, एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए आपको मिलता है 45 मिनट्स का टाइम, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ यार, वीडियो ख़त्म होने से पहले ही बोलूँगा कि आप लोग यार अभी ये मत देखिए, काफ़ी न्यूज़ फैली हुई है मार्केट में कि प्राइवेटाइजेशन होगा, ये होगा, वो होगा। इतना आसान नहीं होता है यार प्राइवेटाइज करना, ठीक है। गवर्नमेंट को भी पता है, कुछ 5 बैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को मिनिमम टू मिनिमम अपनी पॉलिसीज बेचने के लिए, ठीक है। तो खैर ये सब चीज़ें मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगा इससे रिलेटेड भी। तो गाइस ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने इस वीडियो में बता दी आप लोगों को, ठीक है। जाने से पहले यही कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।